चलो आप कैसे आओ समझाओ रूट थ्री कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बता मास्टर अंकेश बढ़िया से समझाए समझा दीजिए तो जाओ हो बड़ी बदल से कुछ पानी ला ले ले राज शर्मा ये हमारा सामने क्वेश्चन आया है रूट थ्री को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो हमें पहले ये रूट टू के लिए रूट थ्री के लिए पहले हमें रूट टू की जरूरत है रूट टू तो सब लोग यहाँ से निकाल लिए ना तो रूट टू यहाँ पे पता है तो यहाँ पे यहाँ दोनों पे क्या क्या रख दें कि ये यस जो है ये रूट थ्री आ जाए हमें यही तो ज्ञात करना है आधार और लंब पे क्या रख दे कि कर्ण अंडर रूट थ्री हो जाए जब कर्ण अंडर रूट थ्री हो जाएगा तो इसको प्रकार से ऐसे ऐसे ले आएंगे तो यहाँ पे रूट थ्री पता चल जाएगी यही तो पता करना है तो यहाँ पे हम रख देंगे एक और आधार पे रख देंगे रूट टू जब करेंगे रूट टू और प्लस एक जब इस दोनों का स्क्वायर करेंगे ये तो हो जाएगा दो और ये हो जाएगा एक ये पूरा अंडर रूट भी रहता है यहाँ से हमारा यच बराबर आ गया रूट थ्री यच यहीं से तो है रूट थ्री तो इसका मतलब ये तो रूट टू है यहाँ पे ये अब यहाँ से एक सेंटीमीटर की ऊपर ऐसे जाने देंगे इसके बाद एक सेंटीमीटर यहाँ से निकाल देंगे यहाँ पे आएगा इसके बाद यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे ऐसे मिला दिए और इसको ऐसे प्रकार से ऐसे ऐसे कर देंगे दो नंबर्स का स्क्वायर करो और स्क्वायर करने के बाद आपका क्या आना चाहिए रूट थ्री आना चाहिए बात पकड़ में आ रही है नहीं समझे आई देखो अंडर रूट के अंदर में दो ऐसी नंबर्स को इधर देखो अंडर रूट के अंदर में दो ऐसी नंबर्स का सम स्क्वायर करके सम करो कि रूट तीन आ जाए तो एक तो रूट टू का स्क्वायर करोगे किसका इधर देखो बेटा रूट टू का स्क्वायर और एक एक का स्क्वायर कर दो तो अमरेंद्र बाहुबली बताइए आप कि रूट टू का स्क्वायर कितना होगा बेटा हर्षित आप बताइए रूट टू का स्क्वायर कितना होगा फोर तो फोर प्लस वन बराबर फाइव तब तो रूट फाइव बराबर प्रिंस आप बताइए बेटा रूट टू का स्क्वायर कितना होगा बताइए रूट टू का स्क्वायर टू कैसे आएगा बेटे आयुष रूट टू का स्क्वायर टू कैसे आएगा रूट टू का स्क्वायर कह रहे टू कैसे आएगा टू कैसे आएगा बेटा टू कैसे आएगा रूट टू का स्क्वायर टू कैसे आएगा क्योंकि हमारे इंद्र ने बोला इसलिए हाँ आप बताए बेटा रूट टू का स्क्वायर कितना आएगा टू आएगा कैसे आएगा बोल बेटा रूट टू से कट जाएगा हाँ साक्षर आप बताइए कितना स्क्वायर से रूट हट जाता है हाँ ये भी सही है नॉट बैड लेकिन अंडर रूट चार का मान कितना होता है इसलिए दो हुआ बेटा
बुझाई बैठो। तो इसका मतलब यहाँ हो गया दो और प्लस एक कितना आ जाएगा अंडर रूट तीन। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे अंडर रूट टू मिल जाए बेस पे और वन मिल जाए एल्टीट्यूड पे तो हाइपोटेनस कितना दे रहा होगा। अब बात पकड़ में आई बेटा समझ में आएगा अर्पित समझ में आई बात। साइकिल वाइकिल चल रही है आजकल बेटा परफेक्ट लगाते रहिए। चल इधर देखो इसका मतलब ये हो गया इधर देखो ऐसे ले दो तो यहां पे एक दो तीन और सुनो यहां से यहां तक एक लिए और यहां से यहां तक एक लिए तो यहां से ये वाली जो दूरी थी वो कितनी थी अंडर रूट दो और अंडर रूट टू को जब ऐसे मिलाओगे बेटा तो यहां कहीं आ जाएगा अंडर रूट टू। अब इस अंडर रूट टू पे क्या करो एक एक सेंटीमीटर पर खींच लो एल्टीट्यूड। अब उसको जब एक काटोगे यहां पे कहीं ऐसे आएगा इसको मिलाओगे इसको जब इसको मिलाओगे तो इसको फिर क्या करो ऐसे 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 तो ये कहां की कटेगा यहां तक मतलब दो के पहले पहले आता ना रूट थ्री दो के पहले ही आएगा क्योंकि रूट थ्री की वैल्यू कितनी होती है 1.73 समथिंग तो ये यहां कहीं आएगा तो ये हो जाएगा आपका क्या ये हो जाएगा क्या रूट। तो बात पकड़े नहीं जब भी कभी बेटा आप रूट थ्री रूट फाइव रूट सेवन रूट टू इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ एनी इरेशनल नंबर देन यू हैव टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ बेस एंड एल्टीट्यूड। बेस और एल्टीट्यूड को यू हैव टू एडजस्ट बेस एंड एल्टीट्यूड देन अल्टीमेटली यू विल फाइंड व्हाट हाइपोटेनस and the length of the hypotenuse will be what that particular irrational number। अरे भाई बेस को और इसको सेट कर दो आपने बेस को बेटा और इसको सेट कर दिया तो प्रकार से ये दूरी लिए ना ये ऐसे फैला दिया है तो ये ऐसे काटोगे तो ये कहां आएगा जहां कहीं वो x एक्सिस पे आएगा बेटे दैट विल बी इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आ गया समझ में। घर के लिए होमवर्क लिखिए बेटा फिर से रूट टू रूट थ्री रूट फाइव रूट सेवन रूट इलेवन बस एक पे मत निकालना अलग अलग निकालना बेटा पांच क्वेश्चन अलग अलग ठीक है। हाँ इतना अगर आप कर लेते हो तो मजा आ जाएगा सचमुच मजा आ जाएगा ठीक है। हाँ रूट टू रूट थ्री रूट फाइव रूट सेवन रूट इलेवन फाइव क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं ये फाइव क्वेश्चन आपने करनी है ठीक है। हाँ इतना काम करके आप हमें मिलोगे और हाँ एक बात का ख्याल रखो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका।